सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज का एपिसोड उन दो लेजेंडरी सिंगर्स के नाम है जिन्होंने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने गानों से सालों तक लोगों को एंटरटेन किया है, जिन्होंने डुएट सिंगिंग को एक बेंचमार्क दिया, जिनके गाने आज तक भी हर एक एक बच्चे बच्चे को पसंद है। मैं बात कर रही हूँ लता दीदी और मुकेश जी की। इनके ज़्यादातर गाने रोमांटिक हुआ करते थे। मुकेश जी का अपना अलग ही एक अंदाज था गायकी का और लता जी वर्सेटैलिटी के लिए ही नोन थी, लेकिन इन दोनों का साथ में कोई मुकाबला नहीं था। बोथ हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अफवाहें फैली कभी इनके बारे में, ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह ट्रीट किया करते थे। मुकेश जी सीनियर ज़रूर थे लेकिन फिर भी लता जी को दीदी कह के ही बुलाया करते थे। वैसे इन दोनों में सिंगिंग के अलावा कुछ और भी था जो कॉमन था। क्या था वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं फॉरएवर क्लासिक गाना कभी कभी फिल्म से टाइटल ट्रैक ही। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया शर्मा की अपनी बाहों में।
मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है सारे गामा कारवा कमाल की चीज इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ जा दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मैं हूं रुचि आपके साथ मधुमती फिल्म से था ये गाना आज सभी गाने जो हैं वो लता जी और मुकेश जी के साथ में गाए हुए गाने हैं और खास चुन के ये गाने मैंने आपके लिए निकाले हैं मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से मैं आपको सुना रही हूँ आई होप आपको अच्छे लग रहे हों वैसे हम बात कर रहे थे कि मुकेश जी और लता जी इन दोनों के बीच में क्या चीज़ और कॉमन थी सिंगिंग तो था ही इन दोनों का पैशन लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ने ही शुरुआत में एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया था मुकेश जी स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर सिंगर इन द फिल्म निर्दोष इन 1941 फिर आदाब अर्ज आई फिर माशूका आई इन सभी में वो हीरो के रोल में थे और लता जी ने भी ऐसा ही कुछ किया था आप जानते ही हैं 1942 से 1948 तक कुछ 8 फिल्मों में इन्होंने काम किया था
लेकिन दोनों की ही किस्मत में एक्टिंग नहीं बल्कि सिंगिंग लिखा हुआ था। सिंगिंग और एक्टिंग तो कॉमन था ही, लेकिन इवेंचुअली दोनों मूवी प्रोड्यूसर भी बने थे। और मुकेश जी के मूवी प्रोड्यूसर बनने के बाद में भी मुकेश जी और लता जी के बीच में एक कनेक्शन था, एक रिलेशनशिप था, एक नाता था, जो कि मुकेश जी ने टूटने नहीं दिया। क्या था वो कनेक्शन बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं अगला गाना, जो कि है फर्ज फिल्म से, हम तो तेरे आशिक हैं। अगर आप भी हमारे आशिक हैं तो रहिएगा यहाँ पर, कुछ देर के बाद मैं लौटूंगी। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, love this episode, offline this video now and enjoy this show anytime anywhere. kahin karti hogi wo mera intezaar jiski tamanna main phirta hu beqarar kahin karti hogi wo mera जिसकी तमन्ना में गिरता हूँ बेकरार,
बैठी होगी राहों में, घूमूं अपनी बाहों में, लिए खोई सी निगाहों में, खोया खोया सा प्यार, छाया रूपी होगी आंचल की, चुप होगी धुन पायल की, होगी पलकों में काजल की, खोई खोई बहार, कहीं करती होगी वो मेरा की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार, कहीं करती होगी वो मेरा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। फिर कब मिलोगी फिल्म से था ये गाना, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार। वैसे मेरा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया, एक बार फिर से आ गई हूं मैं मुकेश जी और लता जी की ज़िंदगी की ही कुछ कहानियां लेकर के। इन्हीं दोनों के साथ में गाए हुए कुछ रोमांटिक गाने आज मैं आपको सुना रही हूं। आई होप आपको आज की प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो। वैसे ये दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन था, मैं आपको बता ही रही थी कि ये दोनों सिंगर्स तो थे ही, साथ में एक्टिंग से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उसी के साथ में अगर एक और एक कॉमन बॉन्ड था इनके बीच में तो वो था केएल सहगल साहब का बॉन्ड। इन दोनों को ही केएल सहगल साहब का म्यूज़िक बेहद पसंद आया करता था, इतना कि ये दोनों मिल करके ऐसी म्यूजिकल नाइट्स अरेंज किया करते थे जहाँ पर लोग सिर्फ केएल सहगल साहब के गानों के बारे में बात करेंगे, गाने गुनगुनाएंगे या फिर गाने सुनेंगे। मुकेश जी और लता जी का बॉन्ड, इनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग था कि जब मुकेश जी प्रोड्यूसर बने 1951 में, इन्होंने मल्हार फिल्म बनाई, 1956 में अनुराग फिल्म बनाई, तो इन फिल्मों के लिए भी उन्होंने लता जी को फ़ोन किया और कहा कि देखिए दीदी, या तो आप मेरी फिल्म के लिए प्लेबैक करेंगी या मेरी फिल्म में कोई गाना ही नहीं होगा। अब ऐसी धमकी मिलने के बाद में लता जी मना कैसे कर सकती थी। तो मुकेश जी की फिल्मों में हमेशा जो फीमेल प्लेबैक था वो लता जी की ही आवाज़ में हमने सुना है। वैसे एक ऐसा गाना था जो करने से मुकेश जी ने मना कर दिया था, लता जी के साथ में ये गाना उनको गाने का मौका मिल रहा था पर उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि इस गाने में मुकेश जी को लता जी को बोलना सिखाना था। गाना था सावन का महीना मिलन फिल्म से, और इसमें उन्हें शोर जो है वो शोर है और शोर नहीं है ये लता जी को सिखाना था, और उन्होंने कहा था मेकर्स से कि ये तो तौहीन होगी, ये तो इंसल्ट होगी कि अगर मैं लता जी को गाना गाना सिखा रहा हूँ या फिर कुछ शब्द कुछ अल्फाज सिखा रहा हूँ। बाद में लता जी ने खुद बोला कि अरे ये तो मजाक है, ये तो गाने में हो रहा है, असल में कहाँ तुम कुछ मुझे सिखा रहे हो, मैं ही तुम्हें सिखाती हूँ। और ये हंसी मजाक हुआ और उसके बाद में मुकेश जी माने इस गाने को गाने के लिए। ये गाना आपको सुनाऊंगी कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले शोर फिल्म से गाना एक प्यार का नगमा है आपके लिए। Thank you.
एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। You are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. Saavan ka mahina pavan kare sor. सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। Thank you.
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आज के शो में आप सुन रहे हैं मुकेश जी और लता जी के साथ में गाए हुए गाने। आपको पता है मुकेश जी, जैसा मैंने कहा ही था कि लता जी से वैसे थोड़े सीनियर थे, काम के सिलसिले में या फिर जनरली भी इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साल बिता लिए थे। यही नहीं, वो पहले से स्टेज शोज और कॉन्सर्ट किया करते थे और लता जी ने कभी भी स्टेज पर कदम नहीं रखा था। वो पहला कॉन्सर्ट जो लता जी ने किया था, अपनी जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट, वो मुकेश जी के कहने पर मुकेश जी के साथ में ही किया था। ये कॉन्सर्ट हुआ था कनाडा में। मुकेश जी ने अपने मैनेजर से बात की थी और कहा था कि एक बार मौका दो और देखना, हम दोनों स्टेज पे आग लगा देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ भी था। वैसे आपको पता है, जब ये लोग गए हुए थे अपने स्टोर के लिए, इस कॉन्सर्ट के लिए, उस टाइम पर लता जी को कुछ इंडियन बॉयज़ ने, यंग इंडियन बॉयज़ ने डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन मुकेश जी उन लड़कों को जानते नहीं थे तो मुकेश जी को इनवाइट नहीं किया था। पर मुकेश जी अकेले नहीं रहना चाहते थे होटल में, तो उन्होंने लता जी से कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं क्या करूँगा अकेले। काफ़ी मनाने के बाद लता जी मान गई और मुकेश जी को अपने साथ में ले गई वहाँ पर। लेकिन डिनर ख़त्म करने के बाद, जैसे आजकल होता है ना ग्रुप्स में, सब लोग मिल करके पैसे दे देते हैं, डच कर लेते हैं, 10 रुपये तुम दो, 10 रुपये मैं दूंगा, इस तरह से बिल चुका देते हैं। उसी तरह उस डिनर के बाद में भी ये जो कुछ दोस्त थे लता जी के, उन्होंने सबने थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू किए। और मुकेश जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मुकेश जी ने सबको मना कर दिया और कहा कि मैं सबका बिल भर दूंगा। और मुकेश जी ने सभी के डिनर के पैसे भरे। फिर जब होटल पहुंचे तो होटल आने के बाद मुकेश जी ने कहा कि लता जी, आपके साथ डिनर पे जाना तो भारी पड़ गया, आज के बाद मैं कोई भी ऐसा डिनर का इन्विटेशन आपसे लूँगा नहीं, आपके साथ चलूँगा नहीं। इस बात को कई सालों तक इन दोनों ने याद रखा और मीडिया वालों के सामने, दोस्त यारों के सामने इस एक वारदात को याद करके ये दोनों खूब हंसा करते थे। चलिए और भी ऐसी ही कुछ बातें आपको सुनाऊंगी मैं, लेकिन उसके पहले आपको सुनाती हूँ संगम फिल्म से गाना हर दिल जो प्यार करेगा। ये इंडियन सिनेमा की सबसे लंबी मूवी मानी जाती थी, राज कपूर जी की पहली कलर फिल्म भी थी। सुनिए ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मेरे यानी रुचि के साथ। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा।
दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। बीचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, बीचक दाना, बीचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़के नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़के नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। बोलो क्या वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। श्री 420 फिल्म से था ये गाना, ईच चक दाना बीच चक दाना। बचपन में अगर आपने ये गाना सुना नहीं या गुनगुनाया नहीं या माँ बाप ने आपके लिए गाया नहीं, तो शायद बचपन में आपने कुछ मिस कर दिया। वैसे हम बात कर रहे थे मुकेश जी और लता जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। 1976 की बात है, मुकेश जी और लता जी अपने पूरे ट्रूप के साथ टूर पर गए हुए थे। मिशिगन में इनका कॉन्सर्ट होने वाला था। 27th August को शाम को इनका कॉन्सर्ट था, आखिरी कॉन्सर्ट था जिसके बाद ये लोग इंडिया आ जाने वाले थे। लेकिन 27th August की ही सुबह में कुछ परेशानी हुई, तबीयत कुछ ख़राब सी हुई और एक हार्ट अटैक के कारण मुकेश जी नहीं रहे। ये जो एक आखिरी कॉन्सर्ट मुकेश जी और लता जी साथ में करने वाले थे, ये इन दोनों का अधूरा रह गया। लेकिन जैसे कि कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, तो इतना सब होने के बावजूद उस शाम लता जी ने अकेले परफॉर्म किया था स्टेज पर।
बीच बीच में लता जी का साथ देने के लिए मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश भी स्टेज पर आए थे और इस कॉन्सर्ट को ख़त्म करने के बाद मुकेश जी को साथ में लेकर के वो वापस इंडिया आए थे और यहाँ पर आकर के बाकी के जितने रिचुअल्स थे उन्हें पूरा किया गया था। लता जी के इतने करीब थे मुकेश जी और वो भी ये लास्ट कॉन्सर्ट में इस एक हादसे के बाद लता जी का दिल इस तरह से भर आया था कि उन्होंने एज अ ट्रिब्यूट एक एल्बम भी लॉन्च की थी इन द ऑनर ऑफ मुकेश साहब और उसके बाद में उन्हें थोड़ी सी शांति महसूस हुई थी कि शायद इस एक एल्बम के ज़रिए मैं मुकेश जी के थोड़ा सा और करीब पहुँच पाऊँगी। चलिए इन दोनों की दोस्ती के नाम, इन दोनों के साथ के नाम सुनाती हूँ आपको अगला गाना। अनाड़ी फिल्म से वो चांद खिला वो तारे हंसे, सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल त
इतने सागर में मोती प्यार छुपा है खत में इतना जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होती फूल तुम्हें भेजा है खत में तो तन्हाई थी सपना हो न सका अपना फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है फूल तुम्हें भेजा है खत में से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले खत से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले तो कैसे मिले हम मिलने की सूरत लिख दो मिलने की सूरत लिख दो नैन बिछाए बैठे हैं हम कब आओगे खत लिख दो फूल तुम्हें भेजा है खत में Hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.